इंजेक्टर निकलने से पहले पूरा इंजेक्टर का एरिया जो है वो क्लीन करके लेना है। और क्लीन करने के बाद में जो फ्यूल टैंक का कैप है और उसके अंदर का एयर रिलीज करना है। उसके बाद में इंजेक्टर का कपलर निकालना है। निकालने के बाद ये जो 12 का नट है कॉमन रेल का वो निकाल के लेना है। एक कॉमन रेल का नट निकालने के बाद कॉमन रेल निकल जाएगा। कॉमन रेल निकालना है ऊपर के साइड पे, इस तरीके से खींच के निकालना है। सो खींच के निकालने के बाद जो है इंजेक्टर निकाल के लेना है बाहर, वो इस तरीके से निकल जाएगा। सो इंजेक्टर निकालने के बाद में ये जो यहाँ का ओ रिंग रहेगा वो चेक करना है वहीं पर है या नहीं, क्योंकि वो निकालना नहीं है, अगर गिर गया तो मिलेगा नहीं। सो उसके बाद में इंजेक्टर को क्लीन करके लेना है कॉटन वेस्ट से। सो इंजेक्टर क्लीन करके लेने के बाद में उसका जेट क्लीन करने का प्रोसेस है। सो जेट क्लीन करके लेंगे। ये जो लिक्विड है वो अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक के अंदर जो इंजेक्टर का जेट है वो क्लीन हो जाएगा। और जेट क्लीन करने के लिए हम लोगों को करंट सप्लाई देना पड़ेगा थोड़ा सा। सो अपन वो करंट सप्लाई के लिए ये वायरिंग अटैच कर रहे हैं। करंट सप्लाई के देने के बाद में जो अल्ट्रासोनिक अपना लिक्विड है अल्ट्रासोनिक उसमें डुबा के रखना है। और उसके बाद में सेटिंग करके लेना है जे कि इंजेक्टर का जो आगे वाला जेट है वो क्लीन हो जाए। उसके लिए जो टाइमिंग है वो 5 मिनट का टाइमिंग रहेगा, तब तक में वो क्लीन करके लेना है। मैंने टाइमिंग वगैरह सेट करके लिया है। उसके बाद में जो है इंजेक्टर का जेट क्लीनिंग का प्रोसेस चालू है, वो जो है 5 मिनट तक क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में जो अपन को चेक करना है वो इंजेक्टर स्प्रे चेक करना है, जो कि गाड़ी के आरपीएम के हिसाब से जो है वो इंजेक्टर का स्प्रे चेक होता है, उस हिसाब से करना है। उसके जो है इंजेक्टर फिक्स करके लेना है। उसके बाद में वायरिंग अटैच करके लेना है जो कि करंट सप्लाई का काम करेगा। वो उसके बाद में सेट करना है कुछ टाइम के लिए। सो सेट कर रहे हैं हम लोग। एक क्लीनिंग का प्रोसेस जो रहेगा वो 10 मिनट तक का रहेगा। ये जो है इंजेक्टर का स्प्रे चल रहा है अभी। आई होप आपको कैमरे में दिख रहा होगा आपको आपके। स्प्रे जो है वो 500 आरपीएम से लेके 3000 आरपीएम तक ये जो है स्प्रे का स्प्रे जो चेक होता है वो इस तरीके से होगा। स्प्रे का जो है मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ अभी।
जो नीचे वाला जो लिक्विड है जो अल्ट्रासोनिक लिक्विड है जो कि सिर्फ इंडक्टर क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए आरपीएम ऐसे बढ़ रहा है गाड़ी में, ऐसे ही गाड़ी के अंदर हम लोग जब आरपीएम बढ़ाएंगे जो पेट्रोल का स्प्रे होगा वो जो है वो इस तरीके से स्प्रे करेंगे, ये जो इंडक्टर है वो इस तरीके से स्प्रे करेंगे ताकि अपनी गाड़ी के इंजन को ज़्यादा पावर मिल सके। इधर लेना आरपीएम, देखिए यहाँ पर आरपीएम सेट किया रहेगा, ये जो है 3000 आरपीएम तक जाएगा। बाद में जो है इंजेक्टर निकाल के लेना है, उसको ठीक से साफ़ करना है, उसके बाद में जो है पुराना वाला जो ओरिंग है वो निकाल देना है और नया वाला जो ओरिंग है वो लगा देना है। ऐसे ही तीनों के ओरिंग लगा देना है। और ये लगाने के बाद में जो इंजेक्टर का कॉमन रेल है उसके ऊपर बिठा देना है सबसे पहले तो, सो इस तरीके से बिठा देना है। और ये जो है अपने हेड के ऊपर बिठा देना है, जो इनलेट वॉल जहाँ पर बैठते हैं उस तरफ उस साइड से बिठा देना है, ठीक से बिठा देना है वो। और अपना जो 12 का नट है वो लगा देना है। और ये सब होने के बाद में बैटरी का जो नेगेटिव केबल है वो लगा देना है। और उसके बाद में जो है इग्निशन ऑन करके जो है कि अपन इंजेक्टर जो है इंजेक्टर से कहीं लीकेज तो नहीं वो चेक करना है। ओरिंग वगैरह कट होने के बाद इंजेक्टर से लीकेज हो सकता है, इसीलिए लीकेज चेक करना है। सो गाइस मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं नए नए वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सीधा आपको मिले।